मुकुल के मम्मी पापा कार से उतरे और बड़ी सी हवेली के सामने जाकर खड़े हो गए। मुकुल की मम्मी तो हवेली की भव्यता देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी। मुकुल अपने मम्मी पापा के साथ हवेली के भीतर पहुंचा। बैठक में घनश्याम जी अपनी बेटी मधु के साथ बैठे हुए थे। मुकुल आज मधु को देखने के लिए आया हुआ था। उसके किसी रिश्तेदार ने यह रिश्ता बताया था, लेकिन यहाँ की शानो शौकत देखकर मोहन जी को लग रहा था कि पता नहीं यह रिश्ता तय हो पाएगा या नहीं। लेकिन मधु को देखते ही मोहन जी बहुत खुश हुए, क्योंकि मधु बहुत ही सादगी से तैयार हुई थी। मोहन जी उसमें अपनी बेटी की छवि देखने लगे। औपचारिक बातों के बाद मधु के पिता घनश्याम जी कहने लगे, देखिए भाई साहब, मैं घुमा फिरा कर बातें करने में यकीन नहीं करता हूँ। जो भी है वो रिश्ता तय करने से पहले ही बता रहा हूँ। मोहन जी कहने लगे, आप कहना क्या चाहते हैं? तो घनश्याम जी कहने लगे, बात दरअसल यह है कि शादी के बाद आपका बेटा सिर्फ हमारी बेटी का होकर रहेगा। मैं दहेज में अपनी बेटी को कोठी और 50 लाख रुपए दूंगा और आप लोगों को अलग से 30 लाख रुपए दूंगा। फिर आपका बेटा पूरी तरह से हमारा होगा। मेरी बेटी अपने पति के साथ आराम से रहेगी, उसे सास ससुर की किचकिच नहीं चाहिए। मोहन जी नाराज हो गए और कहने लगे, भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आगे चलकर हमारा सब कुछ हमारे बच्चों का ही तो होता है। यह बात सबको पता है, लेकिन आप इस तरह मेरे बेटे को अपनी शर्तों में नहीं बांध सकते हैं। जिस तरह शादी के बाद भी मधु आपकी बेटी रहेगी, वैसे ही शादी के बाद मुकुल भी मेरा बेटा रहेगा। मैं बेटे की शादी करवा रहा हूँ, उसे बेच नहीं रहा। आप होंगे अमीर, लेकिन आपकी यह सोच गलत है कि आप दौलत के दम पर किसी के बेटे को खरीद सकते हैं। इतना कहकर वह उठ खड़े हुए। मुकुल भी पिता की बातों से सहमत था, वह भी पिता के साथ उठने लगा और बोला, अंकल जी, अगर ऐसी ही बात थी तो आप ये सब फोन पर पहले ही कह देते। हमें यहाँ बुलाकर मेरे मम्मी पापा का अपमान करने की क्या जरूरत थी? मुकुल की माँ भी अपना पर्स उठाकर चलने के लिए तैयार हो गई। वह लोग जैसे ही उठकर जाने लगे, वैसे ही घनश्याम जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे आप लोग तो बुरा मान गए, जरा एक मिनट रुकिए तो सही। देखिए, आप लोग भी यह बात अच्छे से समझते होंगे कि हम दोनों के परिवार एक दूसरे के लिए अनजान हैं। मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी किसी के हाथों में सौंप दूं? वैसे भी यह बात सबको पता है कि मधु मेरी इकलौती बेटी है और करोड़ों की संपत्ति की इकलौती हकदार है। इसलिए बहुत सारे लोग दौलत के लालच में हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। मैं बस यह देख रहा था कि कहीं मुकुल को रुपए पैसे का लालच तो नहीं है, और मुकुल मेरी इस परीक्षा में पूरी तरह से खरा उतरा है। अभी 20 दिन पहले ही मधु की बुआ जी एक रिश्ता लेकर आई थी और वह लोग तो मेरी बात सुनते ही खुशी से उछलने लगे थे और कहने लगे थे कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। शादी के बाद हमारा बेटा आपका हुआ, आप इसे घर जमाई बनाकर रखिए या इसे अलग बंगला दीजिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, मैं ऐसे लालची लोगों को अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ? मैंने तो उसी वक्त रिश्ते से इनकार कर दिया, और जब मुकुल के बारे में बताया गया तब मैंने सोचा क्यों न एक बार मुकुल के सामने भी यह बात रखकर देख ली जाए। और आज आप लोगों की प्रतिक्रिया देखने के बाद मैं समझ गया हूँ कि मधु की किस्मत ने अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट परिवार ढूंढ लिया है। घनश्याम जी की बातें सुनने के बाद मुकुल और उसके माता पिता ने राहत की सांस ली। मधु भी मुस्कुरा उठी। मोहन जी वापस सोफे पर आकर बैठते हुए बोले, भाई साहब, आपने तो ऐसी बात कह दी कि मैं यहाँ एक मिनट भी रुक ही नहीं पा रहा था। अच्छा हुआ कि आपने बता दिया कि यह सब बस एक नाटक था। घनश्याम जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ पहुंची हो, लेकिन एक बेटी का बाप होने के नाते मुझे उसकी भलाई के लिए यह सब मजबूरन करना पड़ा। मोहन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसी बहाने हमें भी अपनी बात रखने का मौका मिल गया। अब आगे चलकर भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे सच में मधु को हमारे साथ रहने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मधु ने शर्माते हुए कहा, नहीं अंकल जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? घनश्याम जी ने हंसते हुए कहा, तो फिर आज से मैं अंकल नहीं, पापा हूँ तुम्हारा। ये सुनते ही सभी एक दूसरे को देख कर मंद मंद मुस्कुराने लगे और मधु शर्माते हुए वहां से भाग खड़ी हुई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ढेरों और नई कहानियों के लिए लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।